Select the pair of hormones that can easily pass through the membrane of the target cell and bind to the receptor inside it. Always remember teachers, जो भी steroid hormones होंगे उनके receptors nucleus में होंगे. जब भी हम बात करेंगे steroid hormones की तो इनके जो receptors होंगे teachers, steroid hormones के जो receptors होंगे वो nucleus के अंदर wait कर रहे होंगे, ठीक है ना. तो इसके अंदर देखिए steroid hormones कौन से हैं. Yes, here it is. कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन दोनों ही स्टीरॉइड हॉर्मोन्स हैं और इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस. समटाइम्स साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूक्लियस. अब हम बात करते हैं सोमेटोस्टैटिन की. ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन है, नॉन स्टीरॉइड. ऑक्सीटोसिन जो है वो भी नॉन स्टीरॉइड है, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन है. इंसुलिन ग्लूकागॉन पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स है. थायरॉक्सिन जो है वो थायरॉइड ग्लैंड हॉर्मोन है, इंसुलिन पैनक्रियाटिक हार्मोन है. ये भी जो है इंसुलिन जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है. थायरॉक्सिन में अगर हम T3 T4 की बात करते हैं तो वो दोनों ही क्या है, स्टेरॉइडल है. तो हमें तो एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसके रिसेप्टर्स हमेशा पाए जाएं किसके अंदर, इनसाइड द सेल. तो द करेक्ट आंसर इज पी.